इसका सुपरवाइजर कौन है? इसका भी सात पार्ट कर दे तो आप तो आज हट जाइएगा, सात पार्ट आप तो आप हट जाइए, कौन तो उठा नहीं रहे हैं, नहीं तो चला रहे थे गाड़ी ना, कोई आएगा पार्ट में सब नहीं सब आप जवाब दिए कौन जवाब दे रहे थे। तो तेज प्रताप यादव ने सीधे कह दिया कि आज तो आपका आखिरी दिन है। दरअसल वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों पटना के पार्कों का निरीक्षण कर रहे हैं। शुक्रवार को वो कंकरबाग और राजेंद्र नगर इलाके में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वहां जगह जगह पर गंदगी देख वो भड़क गए। इसके बाद अधिकारियों की वहाँ क्लास ही लगा दी, कहा कि काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका सुपरवाइजर कौन है? इसका भी सात पार्ट कर दे तो आप तो आज हट जाइएगा, सात पार्ट आप तो आप हट जाइएगा, कौन तो उठा नहीं रहे हैं, नहीं तो चला रहे थे गाड़ी ना, तो ये सब कचरा कहीं से है यहाँ पर पार्क में नहीं चल रहा था, पूरा पूरा गंदा महंगा कोई आएगा पार्क में सब नहीं सब आप जवाब दिए कौन जवाब दे रहे थे, आप कौन है पार्कों में गंदगी और रखरखाव की कमी को लेकर तेज प्रताप यादव ने अधिकारियों को बुलाया और फटकार लगा दी। ये देख उसी समय इलाके के लोगों ने भी विभाग के कर्मचारियों और आला अधिकारियों की शिकायत करनी शुरू कर दी। फिर मंत्री भी पार्क में ही बैठकर सभी की शिकायतें सुनने लगे और समाधान का भरोसा भी दिलाया। वीडियो बना के भेज दिया अभी घूमते भी नहीं आप आए ना सब इसलिए आए अभी ताकने तक नहीं आते हैं मोहल्ला के चंदा से तो पहले वाले जो खिनहार रेंजर उसके बाद तीसरा पार्क का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। इस दौरान पार्कों को साफ भी कराया। इस दौरान पार्क में खेलने आए बच्चों ने मौका देखकर मंत्री तेज प्रताप यादव से शिकायत करनी शुरू कर दी। बच्चों ने तेज प्रताप यादव से कहा कि झूलों पर लगे ताले खुलवा दीजिए। बच्चों की बात सुनकर तेज प्रताप यादव ने अपने सामने ही झूलों पर लगे ताले तोड़वाए। जब से तेज प्रताप यादव ने विभाग का कार्यभार संभाला है तब से अपने काम को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।